हेलो दोस्तों, करियर ऑर्बिट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुब्रत हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब पाने के 13 सीक्रेट टिप्स के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये जो 13 टिप्स है मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद जो है निकाला है। हर एक टिप्स जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। दोस्तों, आज के समय में जो है एक अच्छी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मार्केट में जैसा कि अवेलेबल ही नहीं है ऐसा है, और इसी टाइम पे जो है गवर्नमेंट अच्छी खासी सुविधाओं के साथ जो है बढ़िया सैलरी जो है अपने जॉब में दे रही है। तो लोगों का जो झुकाव जो है गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। और हर साल जो है लाखों करोड़ों बच्चों जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें तो ज़्यादातर जो है सफल नहीं हो पाते। तो उनका जो है सफल नहीं होता जो है हर एक कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों सफल नहीं हो पाते। और ये 13 टिप्स जो है आपके लिए बहुत खास है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइंड योर वाई। एक वाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? क्या अपने माँ बाबा को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, या अपने आप को काबिल बनाने के लिए, या जो लोग आपका मजाक उड़ाते हो कि आप जो है ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, या कोई आपको जो है धोखा देके चला गया हो, क्या उन सब के मुंह पे जो है अपनी सक्सेस का तमाचा मारना चाहते हैं? इसलिए जो कुछ भी हो आपका वाई, पहले एक वाई ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाई ही आपको जो है मोटिवेट करेगा, आपको हमेशा पढ़ाई के लिए चार्जअप रखेगा। अगर दोस्तों ये वाई जो है आपका बना बनाया नहीं है, आपके मन से आना चाहिए। अगर आपका वाई आपको मिल गया तो तुरंत उसे जो है अपने कागज़ पर लिख दीजिए, और उस कागज़ को जो है किताब के अंदर या अपने वॉलेट में जो है रखिए। जब भी आप डीमोटिवेट फील करेंगे या आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, तो वो वाई जो है निकाल के एक बार देख लीजिएगा, तुरंत जो है मोटिवेट हो जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो ये एक जो है वाई जो है ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपका वाई मिल गया तो आप समझेंगे कि आप जो है कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिए हो। तो फाइंड योर वाई। सिलेक्ट अ बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर यू। दोस्तों, हर साल जो है बच्चे IAS IPS इनकम टैक्स ऑफिसर या मतलब ऊंची-ऊंची पदों के लिए जो है आवेदन करते रहते हैं, और उसी का जो है प्रिपरेशन में जो है लगे रहते हैं। और हर साल जो है उसमें जो है जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर कोई अच्छी खासी जो है पद वाली नौकरी चाहता है। तो वो लोग जो है उस पर जो है एग्ज़ाम देते रहते हैं, और देखिए वहाँ पर जो है पद जो है सीमित होता है, ठीक है। तो अब हर कोई तो IAS IPS ऑफिसर नहीं बन सकता है, तो मतलब ज़्यादातर असफल ही हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर से जो है अगले साल का इंतजार करते हैं, कब IAS IPS या इनकम टैक्स ऑफिसर का जो है फॉर्म निकलेगा वो लोग फिलअप करेंगे, और इसी से चलते जो है वो लोग अपना बहुत सा समय जो है वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, आपको जो है ये गलती नहीं करनी है। जैसे देखिए, जिस पोस्ट में जो है ज़्यादा पोस्ट होता है, जिस नौकरी में वैकेंसी निकलती है ज़्यादा, तो लोग बहुत सारे जो है ज़्यादातर जो है लोग जो है उस पर जो है अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, और अप्लाई करते भी हैं। और देखिएगा, ऐसे भी बहुत सारे नौकरी निकलती हैं जिसमें 15-20 जो है पोस्ट रहते हैं। सो बहुत से जन सोचते हैं कि ये पोस्ट के लिए अप्लाई करके क्या होगा, 15 जन है, लेकिन आपको जो है उसी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत जन ये सोचेगा कि ये कम पोस्ट है इसमें अप्लाई करके क्या होगा, और जो है लोग उस पर अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो आपको जो है ये गलती नहीं करना, आप सर्च करते रहिएगा, और आपको जो है ये सब पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना है। अब फोकस। दोस्तों, फोकस एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप फोकस के सहारे जो है आप कुछ भी जो है अचीव कर सकते हैं। तो आपको जो फोकस करना है एक ही वक्त पे जो है एक ही चीज़ पे जो है फोकस करना है। तो देखिए, SSC MTS ग्रुप टी जो है NTPC ये सब नॉर्मली जो है इंग्लिश रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और मैथ ये सब सब्जेक्ट्स जो है होता है, लेकिन इन सब का जो है पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, अब जिस भी जो है वैकेंसी के लिए जो है अपना पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, सिर्फ उसी का जो है सिलेबस आपको फॉलो करना है, और उसी पे जो आपको फोकस करना है जब तक ना उसका एग्ज़ाम हो जाए। खाते पीते सोते हुए हमेशा जो है उसी पे फोकस करते रहिए, और कुछ आपको दूसरा दिखना नहीं है, ठीक है। वो एग्ज़ाम दे लेने के बाद आप फिर दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचिएगा, दूसरे एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फिर उस पर फोकस कीजिएगा। लेकिन अभी जिस पे जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, और एक वक्त में एक ही फॉर्म पर फिलअप कीजिएगा, और उसी पे जो है अपना पूरा 100% फोकस दीजिएगा। प्लानिंग योर सिलेबस। पहले दोस्तों, आपको जान लेना है आपका दुश्मन कौन है, जिसे आप हराने के बाद जो है आप अपना वार जीतेंगे। तो यहाँ पे दुश्मन माने हैं आपका सिलेबस, और वार मतलब है आपका जो है एग्ज़ाम। तो पहले जो है आपको सबसे पहले करना है, जब एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन आता है, तो नोटिफिकेशन के साथ में जो एक नोटिस रहता है,
तो उस नोटिस को जो है आपको जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें दिया रहता है आपको क्या पढ़ना है, मतलब एवरीथिंग डिटेल्स दिया रहता है एग्ज़ाम रिलेटेड। लेकिन बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो जो है उन नोटिस को देखते भी नहीं, जबकि वो पढ़ने में सिर्फ 15 से 20 मिनट समय लगता है, और वो लोग वो सब बिना पढ़े अपने दोस्तों से क्या पढ़ना है वो उसका जो है ले लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, वहीं पे जो है गलती हो जाता है। लेकिन आपको दोस्तों ये गलती नहीं करना है, आप अच्छी तरह से वो नोटिस को जो है 15-20 मिनट, देखिए एक ही बार तो लग रहा है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है और उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेबस कैसा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं करना है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। और आप जो है एक एक सब्जेक्ट का जो है बहुत सारा किताब मत खरीद के लाइए, आप एक किताब जो है एक सब्जेक्ट का लाइए, उसे ही जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। दोस्तों आपको तो ये पता चल गया है आपको पढ़ना क्या है, इस स्ट्रैटेजी में हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। मान लीजिए अभी आप एग्ज़ाम जो है फॉर्म आपने फिलअप किया है, अभी आपके पास जो है 3 महीने या 6 महीने का जो है आपको जो है प्रिपरेशन करने का टाइम मिला है। तो दोस्तों इस जो 3 या 6 महीने का टाइम जो मिला है, आपने आपको पूरा एकदम लॉक कर लीजिए। लॉक मतलब कैसे करना है मैं बोलता हूँ, आपको जो है अभी जो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट करना जो है बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है टीवी मत देखिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए, मतलब अपने आप को पूरा लॉक कर दीजिए। आपका जो है ज़्यादातर समय आप देखिएगा आपके मोबाइल फ़ोन में ही चला जाता है, जैसे फेसबुक, टिकटॉक और भी गेम्स वगैरह। तो अभी जो है आपको जो करना है दोस्तों, अभी जो है अपने फ़ोन को लीजिए। अगर आप फॉर्म फिलअप जो है करने के बाद अभी जो है मान लीजिए आपके पास 3 महीना समय है, तो अभी अपने मोबाइल को लीजिए और उसमें से फेसबुक, टिकटॉक और पबजी वगैरह जो भी है वो सब बेकार के एप्लीकेशन अभी के अभी डिलीट कर दीजिए। क्या हुआ दोस्तों, आपका हाथ कांप रहा है? आपको जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए कि नहीं, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर चाहिए है तो जो दोस्तों 3 महीना आपको कुर्बानी आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है एक बार नौकरी मिल जाने के बाद तो है आपको तो नौकरी कोई छीन नहीं सकता। आप अपने मर्जी से फेसबुक कीजिए, पबजी खेलिए, जो भी मन नहीं हो करिए, लेकिन इस 3 महीने का जो है बलिदान आपको दोस्तों देना है, ठीक है। और दोस्तों आपको जो है एक डायरी फॉलो करना है, ठीक है। आप अपना जो भी सिलेबस है अपनी डायरी से एकदम 3 महीने के हिसाब से विस्तार से पूरा एकदम लिख लीजिए, और रोज़ाना जो आपको टू लिस्ट फॉलो करना है, आप कितना जो है पढ़ाई अपना कंप्लीट किए हो, और हर हफ्ते आपको जो है रिव्यू करना है, आप जो है अपना सिलेबस के कितना जो है कंप्लीट के करीब हो, ये आपको जो है रेगुलर करना है। वो डायरी हमेशा साथ में रहिए रखिए और जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। प्रॉपर स्लीप। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है इस पे जो है आपको जो है पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें जो है आपको याद रखना होगा, बहुत सी चीज़ जो है आपको समझना है। इसीलिए जो आपको हर वक्त जो है आपका माइंड जो है फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों अपनी जो है नींद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। साइंटिफिकली अगर बात करें दोस्तों तो मिनिमम 6 से 7 घंटा जो है रात को सोना ही चाहिए, इससे जो है आपका ब्रेन जो है एक्टिव रहता है। अपनी नींद पे जो है ध्यान दीजिए, वरना जो है आप पढ़ाई को जो है आप याद नहीं रख पाएंगे, एक्टिव नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो है रात को जो है ज़रूर जो है रेस्ट लीजिए अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि आप 1-2 दिन के लिए जो है पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जो है 3 से 6 महीना जो है एकदम कंसिस्टेंसी के साथ एकदम पढ़ाई करना है। इसीलिए दोस्तों रात को ज़्यादा रात तक पढ़ाई मत कीजिए, जो है मिनिमम 6 से 7 घंटे का नींद लीजिए। हाउ टू स्टडी। दोस्तों बहुत से जन का जो है कुछ सवाल होता है कि कितनी देर पढ़ाई करें, तो इस सवाल का मैं अभी जवाब देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप 12 से 16 घंटे या 18 घंटे अगर रेगुलर पढ़ाई करेंगे तब जो है आप एग्ज़ाम में पास कर पाइएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो है ये देखना होगा कि आप कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि कितनी देर पढ़ रहे उससे डर नहीं लगता साहब, हमको डर लगता है आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपको जो है आपका कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उस पर आपको जो ध्यान देना है। अपना जो एक टाइम टेबल जो है पढ़ाई का बना लीजिए, सुबह से रात तक। जो लोग काम करते हैं वो अपने हिसाब से बनाइए, जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग अपने हिसाब से बनाइए, और जो लोग ट्यूशन वगैरह जो है पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से जो है पढ़ाई कीजिए अपना रूटीन बना के। तो देखिए दोस्तों, जो लोग ट्यूशन नहीं जाते, ठीक है, वो लोग काम पे बिजी है या समय नहीं मिलता या आसपास ट्यूशन नहीं है, तो देखिए सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी बहुत लोगों को जो है नौकरी मिली है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो है यूट्यूब पे बहुत सारे जो है चैनल बन गए हैं, आप उस पे भी देख के जो है पढ़ाई अपना कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ किताबें आपको ख़रीदना है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो खरीद के भी आप अपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप आराम से जो है एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, इसे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब बात करते हैं पढ़ाई कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को जो है एकदम साइड में कर दीजिए, साइलेंट वगैरह करके, और अपने माँ बाबा को बोल दीजिए एकदम आपको जो है 1 घंटे के लिए डिस्टर्ब बिल्कुल ना करें।
तो आपको क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट को उठाना है और लगातार 50 मिनट तक उस सब्जेक्ट को जो है मन लगा के पढ़ना है। उसके बाद जो है 10 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब आप पढ़ाई जब शुरू कीजिएगा 50 मिनट करके एक एक सब्जेक्ट पढ़ाई कीजिएगा उसका, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब 50 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट का ब्रेक। तो 10 मिनट का जो आपको ब्रेक मिलेगा दोस्तों, उसमें जो है आपको मोबाइल नहीं एक्सेस नहीं करना है, या फिर आपको किसी के साथ बात वगैरह नहीं करना है। उस टाइम पे जो है आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना है। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर पुशअप मार लीजिए, या थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है, या रनिंग कर लीजिए थोड़ा सा, ये सब आप कर सकते हैं उस समय में। तो दोस्तों जो 50 मिनट और 10 मिनट का जो फंडा है, ये जो है नासा वाले अपने न्यू कैंडिडेट्स के साथ जो है करते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हमारा जो दिमाग होता है, ब्रेन, किसी चीज़ पे फोकस जो है 50 मिनट तक जो है रख पाता है। इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा कि जब क्लास होता है ना स्कूल में, तो वो 50 मिनट 40 मिनट का ही होता है। तो इसीलिए 50 मिनट पढ़ाई और 10 मिनट तक ब्रेक जो है लीजिए, और ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट को पढ़िए। ऐसे करके आप बहुत से जो है अच्छे से जो है पढ़ाई कर पाइएगा। हेल्दी खाना खाएं। दोस्तों आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि ऐसा भी बोल सकते हैं आप किसी वार के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आपका शरीर भी जो है हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण जो है आप हेल्दी खाना खाइए, ठीक ठाक टाइम से टाइम खाना खाइए। क्योंकि आप अगर अपने शरीर को 100% नहीं देंगे, तो वो आपको कैसे 100% देगा। इसीलिए शरीर का ध्यान दें, पानी पर्याप्त पीजिए, हमेशा जो है हेल्दी रहिए और डिहाइड्रेटेड रहिए। इसीलिए खाली पेट पढ़ाई ना कीजिए। एक्सरसाइज, दोस्तों हेल्दी खाने के साथ जो है आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना है। वो कहते हैं ना कि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी माइंड रहता है, तो आपको जो है थोड़ा रेगुलर जो है एक्सरसाइज भी करना है। आपको ज़्यादा बहुत सारा हैवी जो है आपको जिम में जाके एक्सरसाइज करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको थोड़ा हार्ट पंपिंग एक्सरसाइज, जैसे कि रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, इसे जो है 10 मिनट करके आपको रेगुलर करना है। इससे जो है आपके जो है दिल का जो धड़कन हो जाता है वो तेज़ हो जाता है। इससे जो है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है ठीक ठाक रहता है, और आपका शरीर भी इससे जो है स्वस्थ रहता है। इसलिए रेगुलर जो है 10 मिनट करके रनिंग कीजिए या स्किपिंग कीजिए, और जो है उसके साथ जो है आप थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए। सब मिला के रेगुलर जो है आप 20 मिनट तक जो है एक्सरसाइज कीजिए फ्री हैंड, आपका शरीर जो है बहुत स्वस्थ रहेगा, और शरीर के साथ जो है आप पढ़ाई में भी 100% दे पाइएगा। ब्रेक ऑन संडे, आप अपने जो है संडे या किसी अन्य दिन हफ्ते में एक दिन जो है आप छुट्टी ले लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर लगातार आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका भी दिमाग जो है ना ऊब जाएगा। इसीलिए जो है आप हफ्ते में एक दिन संडे करके एक दिन छुट्टी लीजिए। उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन आप कुछ भी कीजिए। आप कहीं पे जाके जो है मूवी देख के आइए, अपने फ्रेंड के साथ जो टाइम पास कर सकते हैं, कोई किताब पढ़िए। उस दिन आपको जो मर्जी है आप कीजिए, उस दिन पढ़ाई आप बंद रखिए। रिविजन योर स्टडी, ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं, कोचिंग से जो नोट्स मिलता है वो सब नोट्स लेके जो है रख देते हैं, या अपने खुद से जो है पूरा हफ्ते जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी मतलब खोल के नहीं देखते। तो आपको जो है ये गलती नहीं करना है। आपको जो आपका जो है जो भी आपको नोट्स मिला है हफ्ते में एक दिन, या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हफ्ते में एक दिन शनिवार को, उसका जो है फुल डे जो है आप अपने रूटीन में डाल दीजिए। फुल डे जो है आपको जो है उसका जो है रिविज़न करना है। पूरा हफ्ते आपने क्या क्या पढ़ाई किया है, पूरा रिवीजन आपको सैटरडे को जो है शनिवार को आपको करना है। इससे जो है आपको जो है अच्छे से याद भी रहेगा आपने क्या पढ़ाई की है। मॉक टेस्ट, दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ जो है आपको मॉक टेस्ट भी देना है। तो हर हफ्ते जो है संडे आपको जो छुट्टी मिला है दोस्तों, छुट्टी के दिन सुबह करके ये कर सकते हैं आप। सुबह जो है आप अपना जो है सुबह या किसी भी टाइम संडे को आपको जो है एक मॉक टेस्ट जो है देना है। आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, आपको शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से जन क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फिर मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन पूरा सिलेबस वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते और मॉक टेस्ट भी वो लोग नहीं दे पाते। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आप अभी से शुरू कर दीजिएगा। और आपने जो मॉक टेस्ट देना है उसका जो है रिव्यू भी करना है आपको, कि मतलब आपने कैसे दिया है, ठीक है, क्या क्या गलती है, उसे भी आपको सुधारना है। इसीलिए हर हफ्ते संडे जो है आपको मॉक टेस्ट देना है और उसे रिव्यू करना है। स्टॉप लिसन नेगेटिव पेपर, दोस्तों आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो लोग खुद तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास बहुत सारी जो है ज्ञानें होती हैं। वो लोग आपको बता देंगे कि आप ये सब नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी जो है एग्ज़ाम देने से नहीं मिलता है, वो सब घूस देने से मिलता है, या आपके द्वारा सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या सरकारी नौकरी लेने के लिए जो है आपका जो है पापा का जो है ऊँची पहचान होना चाहिए। वो लोग के पास ढेर सारा ज्ञान होगा और हर वक्त आपको जो है डिमोटिवेट कर देंगे। इसीलिए ऐसे नेगेटिव पीपल से है दूर रहिए। अगर आपको जो कांटेक्ट रखना ही है तो ऐसे लोग अच्छे रखिए जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं,
या फिर जो लोग कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो है कांटेक्ट में रहिए। इससे क्या होगा, आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए और इन लोग आप जब प्रिपरेशन कीजिएगा तब आप ज़्यादा लोगों को मत बताइए कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ख़ास करके इन सब लोगों से तो दूर ही रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो 13 टिप्स आपको जो बताए हैं हमने, ये मैंने जो है बहुत रिसर्च करने के बाद जो है निकाला है। तो इसमें से आपको कौन सा पसंद आया वो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, या आप क्या सोचते हैं कि इसमें जो है और कोई टिप्स जो है ऐड करना ज़रूरी था, तो वो भी आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बोलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।